मोदी सरकार किसानों के लिए 3 नए बिल ला रही है। फिलहाल ये बिल लोकसभा में पास हो चुकी है, राज्यसभा में पास होते ही ये कानून की तरह हमारे देश में लागू हो जाएगा। पर इस बिल से जो विपक्ष है वो काफी नाराज है और साथ ही साथ कुछ किसान हैं जो नाखुश लग रहे हैं। ये विपक्ष वही है जो 2013 में खुद सबके सामने ये बात रखी थी कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो भी ये बिल लाएंगे, पर अब वही विपक्ष इस बिल से नाखुश है। हरसिमरत कौर बादल ने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वही अकाली दल जो लंबे समय तक बीजेपी का सपोर्टर हुआ करता था, अचानक बीजेपी के अगेंस्ट कैसे हो गया, ये भी सोचने वाली बात है। आज के वीडियो में हम समझेंगे वो कौन से 3 नए बिल है जो मोदी सरकार किसानों के लिए ला रही है। सबसे पहले बिल पर बात करते हैं जो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। इस बिल के तहत जो किसान है वो अब बाहर जाकर मंडी के अपना अनाज बेच सकते हैं। इसके लिए उन्हें अब उनके पास ज्यादा चॉइस रहेगा और जो उनकी कमाई है उसमें भी इजाफा होगा। मतलब अब किसान जहाँ चाहेंगे वहाँ पर अपना अनाज बेच सकेंगे। बात करते हैं इस बिल के फायदे की। इस बिल के तहत अब किसान जहाँ चाहेंगे वहाँ पर अपना अनाज बेच पाएंगे। इसका फायदा ये भी होगा कि अगर किसी क्षेत्र में उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ है तो वहाँ के किसान दूसरे क्षेत्र में जाकर अपने अनाज को बेच पाएंगे। वहाँ पे उन्हें सही दाम भी मिलेगा और उनके पैसों में भी काफी इजाफा होगा। इससे ये भी फायदा है कि किसानों के पास अब ज्यादा चॉइस होंगे, वो जहाँ चाहेंगे वहाँ पर जाकर अपने अनाज को बेच पाएंगे। अब जो लोग अपोज कर रहे हैं उनका क्या कहना है ये भी देखते हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर किसान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बाहर जाकर बेचते हैं तो जो स्टेट होगा उसके रिवेन्यू में कमी आएगी। मतलब कि जो स्टेट को मंडी द्वारा पैसे मिलते थे वो अब नहीं मिल पाएंगे और स्टेट को इससे नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ ये भी डर है कि MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय आधारित खरीद प्रणाली का भी अंत हो सकता है और जो निजी कंपनी है उनके द्वारा शोषण बढ़ सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे बिल की तरफ जो है द फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। इस बिल के तहत फार्मर एग्री बिजनेस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर अपनी फसल को बेच सकते हैं। इससे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी क्योंकि जो मार्केटिंग की कॉस्ट होती है वो घटेगी। इससे किसान पहले से ही डील कर पाएंगे एक तय मूल्य पे, जो बड़ी निजी कंपनियां हैं उनको भी इस क्षेत्र में बढ़त मिल सकती है। फसल को लेकर जो जोखिम रहता है वो उस खरीदार की ओर अब जा सकेगा जिसके साथ पहले से ही डील कर ली गई है। अपोजिशन का क्या कहना है वो भी देखते हैं। जो लोग इसके अगेंस्ट है उनका कहना है कि जो किसानों की मोल तोल करने की शक्ति है उसे ये कमजोर करेगा। तीसरी और आखिरी बिल है एसेंशियल कमोडिटीज बिल। इस बिल के तहत आलू दाल प्याज जैसी चीजों को आवश्यक चीजों से बाहर रखने की बात कही है। ये तीसरे बिल असाधारण परिस्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा अकाल जैसी स्थिति को छोड़कर सामान्य परिस्थिति में इन चीजों को हटाने का प्रस्ताव रखता है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि ये बिल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा, यानी कि निजी निवेश को ये बिल प्रमोट करेगा और हमारे विकास में मदद करेगा हमारी, और साथ ही साथ रोजगार बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। साथ ही साथ MSP मैकेनिज्म यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म भी लागू रहेगा जो सरकार द्वारा पहले ही अनाउंस कर दी जाती है। तो ये थे वो 3 नए कानून जो मोदी सरकार ला रही है।